नमस्कार सुप्रभात, मैं संदीप कुमार, प्रवक्ता राजनीतिक विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय काबड़ी, जिला पानीपत। आपका उत्कर्ष सोसाइटी के सहयोग से चल रहे हरियाणा सरकार के विशेष एजुसेट टेलीकास्ट प्रोग्राम में अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे शिक्षावृंद साथियों और बच्चों, आज के इस व्याख्यान में राजनीतिक विज्ञान विषय में हम कक्षा 11वीं की पुस्तक भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार में अध्याय 9, जिसका टाइटल है संविधान एक जीवंत दस्तावेज, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस अध्याय के बारे में एक वीडियो हम पहले आपके साथ साझा कर चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने वो वीडियो नहीं देखी है, कृपया आप उसका पहला भाग जरूर देखें। आज के इस व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस व्याख्यान का कार्यक्षेत्र है, हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं, संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा क्या है और वो कहां से उदित हुई है, संविधान की रक्षा और व्याख्या में न्यायपालिका की क्या भूमिका है, संविधान समीक्षा आयोग के बारे में विस्तार से समझने के प्रयास करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है और हम अपने संविधान में निहित राजनीतिक दर्शन की भी चर्चा करेंगे, जो हमारे अगले अध्याय का विषय बिंदु भी है। हाँ, बिल्कुल, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस व्याख्यान का हमारा उद्देश्य है, किसी भी व्याख्यान का जैसे उद्देश्य रहता ही है कि परीक्षा उपयोगी अध्ययन करना तो है ही, साथ साथ संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को समझना, संविधान में अब तक हुए मुख्य संशोधनों की जानकारी प्राप्त करना, संविधान समीक्षा आयोग के बारे में जानकारी जुटाना, संविधान के राजनीतिक दर्शन के साथ संविधान का क्या संबंध है उसको जानना, और इसके साथ साथ संविधान की रक्षा में और उसकी व्याख्या में न्यायपालिका की भूमिका पर अपने विद्यार्थियों की आलोचनात्मक सोच तैयार करना हमारे आज के इस व्याख्यान का उद्देश्य रहेगा। संविधान एक जीवंत दस्तावेज अध्याय को पढ़ते हुए पहले व्याख्यान में हम जान चुके हैं कि संविधान क्या होता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, संविधान में परिवर्तन की क्या आवश्यकता होती है, संविधान में किए गए संशोधन की प्रक्रिया क्या है, भारत के संविधान में अब तक कौन कौन से संशोधन हो चुके हैं, और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम अब तक हो चुके मुख्य संशोधनों पर नजर डालते हैं। भारत के संविधान को लागू हुए लगभग 70 साल हो चुके हैं। 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र के रूप में उदित हुआ, भारत ने अपने संविधान को लागू किया, तो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी। मुश्किल से एक साल भी नहीं बीता था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ फैसलों के चलते, विशेषकर संपत्ति के अधिकार के मामलों की वजह से, उस समय की पंडित नेहरू सरकार को भारतीय संविधान में बदलाव की कुछ जरूरत महसूस हुई। उन बदलावों में हमें साफ नजर आ रहा था कि जमींदारी व्यवस्था कहीं ना कहीं समानता के अधिकार के मामले में रोड़ा बनती नजर आ रही थी, तो जरूरत समझी गई कि समानता के सिद्धांत की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं संविधान में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। तब से चला हुआ वो सिलसिला आज तक चलता ही जा रहा है। भारतीय संविधान को लागू होने के बाद से अब तक 105 से भी अधिक संशोधन इसमें हो चुके हैं। आइए अब तक हुए कुछ मुख्य संशोधनों पर नजर डालते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देश की आजादी के 75 वर्ष के रूप में आजादी का अमृत महोत्सव आप मना रहे हैं। संविधान के लागू होने से और आज तक की स्थिति को हम ध्यान दें तो यह सिलसिला जो संविधान में संशोधन का था वो निरंतर आगे बढ़ रहा है। संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ, जिसमें संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी। 9वीं अनुसूची में लिखे विषयों को न्यायपालिका की पहुंच के दायरे से बाहर कर दिया गया था। वास्तव में जैसे कि हम पहले चर्चा कर रहे थे, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए
और समानता के सिद्धांत को लागू करने के लिए ऐसा करना जरूरी था। कुछ समय बाद सातवां संविधान संशोधन 1956 में किया गया, जिसमें राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया और 14 राज्य भारत में बनाए गए। भाषा के आधार पर ये राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। अगले वर्ष कक्षा 12वीं में आप इस व्यवस्था को और विस्तार से जानेंगे। 18वें संविधान संशोधन 1966 के द्वारा पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया और पंजाब में से हरियाणा का निर्माण अलग कर दिया गया। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का निर्माण इसी संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया, जिसमें संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों के मामले में क्या शक्तियां हैं उसके संदेह को दूर करने के प्रयास किए गए थे। 25वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में अनुच्छेद 31 में बदलाव करते हुए बैंकों के राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था को शामिल किया गया। 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों को जो विशेष सुविधाएं और व्यवस्थाएं दी गई थी, जिनको प्रीवी पर्स कहा जाता था, उनको बदलाव की व्यवस्था, उनको समाप्त करने की व्यवस्था की गई, क्योंकि वो भी समानता के सिद्धांत में कहीं ना कहीं रोड़ा बनती नजर आ रही थी। इसके अलावा 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या, निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो 525 थी, वो बढ़ा करके 543 कर दी गई। अब कुल सदस्य संख्या 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्यों के साथ कुल सदस्य संख्या 545 है। उन्हीं व्यवस्थाओं को आप यहां फोटो में भी देख रहे हैं। 14 टॉप बैंक्स आर नेशनलाइज्ड, उधर संपत्ति के अधिकार का जिक्र हो रहा है और लोकसभा की सदस्य संख्या के बारे में बताया जा रहा है। 41वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की रिटायरमेंट आयु को 60 से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 जो कि अपने आप में एक विशेष तरीके का संशोधन रहा है, मिनी संविधान इसको कहा जाता है। संविधान की काफी सारी व्यवस्थाओं में बदलाव इस संशोधन प्रस्ताव के द्वारा किए गए। संविधान की प्रस्तावना में भी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। 44वां संविधान संशोधन 1979 जो 42वें संविधान संशोधन की व्यवस्था को पुनः व्यवस्थित करने के लिए किया गया था, उसमें मौलिक अधिकारों में से आपके संपत्ति के अधिकार को भी हटा दिया गया और वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। अब वो अनुच्छेद 300A में साधारण कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। 52वां संविधान संशोधन 1985 जो नेताओं की दल बदल को रोकने के लिए था, इसके साथ साथ संविधान में 10वीं अनुसूची को भी शामिल किया गया। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 जिसमें गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और वहां राज्य के लिए विधानसभा भी बनाई गई थी। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा राजीव गांधी सरकार ने मतदान की आयु को घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था और वर्तमान समय में हर 18 वर्ष का व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में है मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले सकता है। 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र के साथ साथ विधानसभा के गठन का भी प्रस्ताव पास कर दिया गया था। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में दिल्ली और पांडिचेरी संघीय क्षेत्रों के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कर लिया गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कुछ एक भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय सरकारों की व्यवस्था संविधान में की गई,
ये दोनों ही संविधान 1993 में पास किए गए और 73वें संविधान संशोधन के बाद 11वीं अनुसूची और 74वें संविधान संशोधन के बाद संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। 86वें संविधान संशोधन के साथ 2002 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई और बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया। छठी से आठवीं क्लास तक की पहली से आठवीं क्लास तक की जो मुफ्त शिक्षा है वो वर्तमान समय में आप देख रहे हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2004 के द्वारा पूर्ववर्ती संविधान 52वें संविधान संशोधन 1985 में दल बदल संबंधी अधिनियम की जो कमियां रह गई थी उनको पूरा करने के प्रयास किए गए और दल बदल अधिनियम को और सख्त बनाने का प्रावधान किया गया। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2004 के द्वारा 8वीं अनुसूची में और नई भाषाओं को जिनमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली थी उनको शामिल किया गया और धीरे धीरे करके आज 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। 100वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच में विभिन्न कॉलोनियों और क्षेत्रों का आपसी अंतरण यानी आपसी अदला बदली की गई है। भारत की आजादी के बाद भी ये काफी कॉलोनियां ऐसी बची रह गई थी जो बांग्लादेश के एरिए में पड़ती थी या बांग्लादेश की कॉलोनियां भारत के क्षेत्र में पड़ती थी और उन लोगों को उन देशों की मौलिक सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही थी। इस व्यवस्था को अब मोदी सरकार के द्वारा बड़े अच्छे तरीके से सुलझा लिया गया है और उसी के लिए 100वां संविधान संशोधन 2015 में भारत के संविधान में किया गया। 102वें संविधान संशोधन के द्वारा 2018 में राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है और अभी लेटेस्ट 2021 में 105वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों को अपनी खुद की ओबीसी जातियों की पहचान करने और उनकी सूची बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई है। तो साथियों और प्यारे बच्चों, अब तक हमने समझा कि आजादी के बाद से और इन 70 सालों के इतिहास में भारत में 105 से भी अधिक संशोधन हो चुके हैं। आखिर इतने संशोधन क्यों हो रहे हैं? कहीं हमारा संविधान इतना ज्यादा लचीला तो नहीं कि वो राजनीतिक दलों के और सरकार के हाथ का खिलौना बन गया हो? जो भी सरकार आती है वो अपनी मनमर्जी से संविधान को तो नहीं बदल रही? या फिर दूसरा कारण रह सकता है कि हमारे संविधान वेताओं से काफी कमियां रह गई हो जो धीरे धीरे अब सामने आ रही हैं और उन कमियों की वजह से संविधान को बदलना पड़ रहा है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भारत की परिस्थितियां ही इतनी तेजी से बदले हो कि संविधान में संशोधन करना जरूरी हो गया है? आखिर इनमें से कारण क्या था? चलिए हम उस कारण को ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या हमारा संविधान वास्तव में लचीला है या कठोर, इस बात के बारे में हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। भारत के संविधान ने एक संतुलनकारी व्यवस्था को अपनाया है। कुछ व्यवस्थाओं में लचीले तरीके से, आसान तरीके से संशोधन किया जा सकता है जिसमें साधारण बहुमत का संशोधन था, और कुछ में कठोर तरीके को अपनाया गया है जिसमें दो तिहाई बहुमत और दो तिहाई बहुमत के साथ आधे से ज्यादा राज्यों की स्वीकृति के तरीके। हां बिल्कुल, संविधान में दोनों तरीकों को अपनाया गया है, इसलिए ना तो संविधान को कठोर कहा जा सकता है और ना पूर्णतः लचीला। जब दोनों तरीके नहीं है तो कहीं ना कहीं वास्तव में देश की परिस्थितियां ही बदली हैं जिनकी वजह से संविधान में इतने बदलाव करने पड़े। परंतु क्या इतने बदलावों के बाद संविधान अपने आप में कोई मौलिकता बचाए भी रखे हुए है? हां, संविधान समीक्षा आयोग बिल्कुल उसी व्यवस्था की बात करता है। सन 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा एक अच्छा प्रयास किया गया कि संविधान की समीक्षा की जाए और उसके बारे में एक आयोग गठन किया गया भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री एन वेंकट चलैया की अध्यक्षता में। 11 सदस्यीय इस राष्ट्रीय आयोग ने लगभग 250 के करीब सिफारिशें प्रस्तुत की। वो अलग बात है कि उन सिफारिशों के बारे में
कभी भी संसद में चर्चा नहीं हो सकी, क्योंकि समय समय पर विपक्षी दलों के द्वारा और अन्य संगठनों के द्वारा इस बात का विरोध किया गया। परंतु एक बात बहुत विशेष थी जो सामने आई, किस वेंकट चलैया आयोग ने भी संविधान की बुनियादी संरचना में बदलाव की कोई सिफारिश नहीं की, कहीं न कहीं संविधान पर कोई सवाल नहीं उठाया। इसलिए इस आधार पर भारतीय संविधान समाज की उन्हीं भावनाओं पर आज भी हमें खरा उतरता नजर आ रहा है, संविधान वेताओं के द्वारा तय की गई आकांक्षाओं की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। हम इस संविधान को गलत संविधान नहीं कह सकते। भारतीय संविधान में किए गए संशोधनों की प्रकृति को अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो विस्तार से समझा जा सकता है। अब तक कुल 105 संशोधन हुए हैं, जिनमें से 1970 से और 1990 के दशक में दोनों दशकों में काफी बड़े पैमाने पर संशोधन भारत के संविधान में हुए। 1974 से 76 और 2001 से 2003 के बीच में इन तीन तीन वर्षों के अंतराल में ही 10-10 संशोधन हमें देखने को मिले हैं। परंतु सही मायने में भारत की उस समय की पृष्ठभूमि पर भी नजर डालें, जैसे कि 1974 से 76 के काल में देश में आपातकाल की व्यवस्था लागू थी, बिल्कुल उस व्यवस्था की वजह से वो संशोधन हुए हैं। 1990 के दशक में सरकारें लगातार बदली हैं, पूर्ण बहुमत ना मिलने की वजह से अस्थिर सरकारें और गठबंधन सरकारों का दौर रहा है, जिसकी वजह से वो संशोधन हमें देखने को मिले। हालांकि भारतीय संविधान में इतनी ज्यादा संख्या में संशोधन, दूसरी तरफ अमेरिका के संविधान का जिक्र करें तो 1789 में उस संविधान को लागू किया गया था और अब तक केवल 27 संशोधन वहां हुए हैं। ऐसा क्यों? अमेरिका का संविधान कठोर है, कहीं ना कहीं हम पढ़ करके आए हैं कि अगर संविधान देश की आकांक्षाओं के अनुसार स्वयं को नहीं बदलेगा तो संविधान को ही बदलना पड़ जाता है। परंतु भारतीय संविधान उस मामले में लचीला रुख अपनाए हुए है, कहीं ना कहीं संशोधनों को समाहित किए हुए है, जैसे परिस्थितियां बदली संविधान ने अपने आप को अप टू डेट कर लिया है और जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर रहा है। बेशक इतने संशोधन अपने आप में अटपटे लगते हैं, परंतु कहीं ना कहीं संविधान में इससे स्पष्टता बढ़ी है, संविधान देश की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल पाया है, बुनियादी संरचना के सिद्धांत का विकास हुआ और संविधान कठोरता और लचीलेपन के बीच संतुलन साधने में कामयाब हुआ है। हमें बिल्कुल ये कहना चाहिए, ये गलत नहीं होगा कि भारतीय संविधान इन बदलावों को स्वीकार करने से ही एक जीवंत दस्तावेज बना है, समय के अनुसार अपने आप को ढालने की वजह से ही हम उसको जीवंत दस्तावेज कह रहे हैं। संविधान में हुए अब तक के संशोधनों को तीन श्रेणियों में बांट करके समझा जा सकता है। कुछ संशोधन प्रशासनिक तरीके के रहे हैं, कुछ संशोधन न्यायपालिका के द्वारा संविधान की व्याख्या करने से संबंधित मामलों के रहे हैं और कुछ संशोधन राजनीतिक दलों की आपसी आम सहमति का प्रतीक रहे हैं, उनका अलग अलग उद्देश्य रहा है। इन संशोधनों को जिन तीन श्रेणियों में बांट करके हम समझ सकते हैं, थोड़ी सी विस्तार से चर्चा उन पर करते हैं। तकनीकी और प्रशासनिक तरीके के संशोधन ऐसे संशोधन हैं जैसे उच्च न्यायालयों के जजों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाना, उनके वेतन में वृद्धि करना, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था करना, उसको समय समय पर बढ़ाना। ये संशोधन और ये व्यवस्थाएं तो सही मायने में पहले से संविधान में थी ही, इनसे संविधान पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा, बस उनकी समय अवधि को बढ़ाया गया है। संविधान के मूल ढांचे के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई, ये तकनीकी तरीके के संशोधन है। कहीं ना कहीं संविधान की व्यवस्थाओं को निरंतरता देने के लिए ऐसा किया गया है। दूसरे तरीके के जो संशोधन है वो राजनीतिक आम सहमति से पैदा हुए हैं। संविधान को आकार देने के लिए अगर हमारे सभी जनप्रतिनिधि सहमत है और देश की जनता सहमत है,
तो वो संशोधन कोई गलत नहीं है, वास्तव में वो जनता की अपेक्षाओं को ही हमें दिखाते हैं, चाहे उनमें दल बदल संबंधी संशोधन है, चाहे 61वां संविधान संशोधन जिसमें मतदाता मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था, 73 और 74वें संविधान संशोधन जिसमें ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जिसमें शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था थी, दल बदल को मजबूत करने के लिए 91वां संविधान संशोधन, कहीं ना कहीं राजनीतिक असहमति के मुद्दे रहे हैं, सॉरी राजनीतिक सहमति के मुद्दे रहे हैं और सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों ने मिलकर इसको आगे बढ़ाया है, जन समर्थन के साथ साथ इनके साथ जन प्रतिनिधियों का समर्थन नजर आता है। तीसरे तरीके के जो संशोधन रहे हैं वो कहीं ना कहीं कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव और उससे उत्पन्न मतभेद की वजह से भारतीय संविधान में हुए। ये मतभेद आमतौर पर संपत्ति के अधिकार को लेकर के या संपत्ति के अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में किसको प्राथमिकता दी जाए उस विषय को लेकर के रहे हैं और इस वजह से समय समय पर संविधान में संशोधन की व्यवस्था करनी पड़ी। आपातकाल के दौरान किए गए विभिन्न संशोधन भी इसी का एक उदाहरण कहे जा सकते हैं। संविधान की व्याख्या में न्यायपालिका के टकराव को दिखाया गया है। 38वां 39वां 42वां 44वां संविधान संशोधन बिल्कुल इसी के उदाहरण है। 42वें संविधान संशोधन में तो आपातकाल के दौरान इतने ज्यादा बदलाव कर दिए गए थे कि उसको मिनी संविधान आप कह रहे थे, बिल्कुल वो व्यवस्था ठीक नहीं थी और उसी व्यवस्था को पुनः समायोजित करने के लिए 44वें संविधान संशोधन की जरूरत पड़ी। इनमें से ज्यादातर संशोधन 1970 से 75 के बीच रहे हैं या फिर सही मायने में देखें वो जो समय था देश की राजनीति में बड़ी उथल पुथल का समय था, उस समय की उपज है। कहीं ना कहीं इस तरीके के संशोधनों से हमें नजर आता है कि जब भी देश में राजनीतिक माहौल उथल पुथल भरा रहा है तब इस तरीके के संशोधन संविधान में हुए हैं। संविधान संशोधन में न्यायपालिका की बड़ी विशेष भूमिका रही है। न्यायपालिका लेसन में आप पढ़ करके भी आए हैं कि न्यायिक सक्रियता बढ़ रही है, जनहित के मामलों पे खुल करके न्यायपालिका सामने आ रही है, विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयों के द्वारा न्यायपालिका व्यक्तियों के अधिकारों में वृद्धि कर रही है और उनकी अच्छे से सुरक्षा कर रही है। संविधान की रक्षा में आखिर न्यायपालिका की क्या भूमिका है, एक बार उस पर जरूर चर्चा करते हैं। विधानपालिका और न्यायपालिका में टकराव की स्थिति में आमतौर पर विधानपालिका अपने आप को जनता के हितों का रखवाला समझती है। वो कहीं ना कहीं कहती है कि जनता के हितों के बचाव के लिए विधानपालिका को इस तरीके के कानून पास करने पड़े। वहीं न्यायपालिका उन कानूनों को संवैधानिक ढांचे के आधार पर तोल करके देखती है कि क्या विधानपालिका द्वारा बनाए गए ये नियम जनहित में और संवैधानिक ढांचे के अनुसार ही है या नहीं। वास्तव में न्यायपालिका ने अपने निर्णयों में समय समय पर विधानपालिका को संसद को अपनी सीमाएं याद कराई हैं, क्योंकि वही सीमाएं हैं जो व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित रखती हैं। न्यायपालिका को व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो सौंपी गई है, संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो सौंपी गई है, वो अपने आप में उसी को पूरा करते हुए नजर आ रही है। क्योंकि अगर बार बार विधानपालिका अपने दायरे से बाहर जाकर के काम करेगी तो एक गलत आदत का रूप ले लेगी और कहीं ना कहीं इसका गलत असर लोगों के मौलिक अधिकारों पर और संविधान की व्यवस्थाओं पर भी पड़ सकता है। बिल्कुल सही कहा, आरक्षण वाले प्रावधान को देखें, आरक्षण का वो एक सीमा से आगे ना बढ़ाने के मामले में क्रीमी लेयर का जो निर्णय न्यायपालिका ने दिया है वो वास्तव में उसी संतुलन को साधने का प्रयास है। न्यायपालिका ने कहा है कि आरक्षण की व्यवस्था बनी रहेगी परंतु आरक्षण के साथ साथ उन जातियों में संपन्न परिवारों को उसका लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ
क्योंकि काफी सारे संशोधन भारत के संविधान में हुए हैं, क्या उससे मूल ढांचे में कोई बदलाव हुआ? सही मायने में ऐसा नहीं कहा जा सकता। भारत की संविधान वेताओं के समृद्ध राजनीतिक दर्शन का ही यह प्रतीक है, उनकी दूरदर्शिता को ही दिखाता है। आज तक भी संविधान के मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आखिर यह मूल ढांचा है क्या? इस व्यवस्था का संबंध एक प्रसिद्ध सुप्रीम कोर्ट के पूर्व केस केशवानंदन भारती केस से है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के एक मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकती। अब सही मायने में इस निर्णय से कहीं न कहीं संसद की शक्ति को ही चुनौती मिल रही थी। 1971 में संसद ने संविधान में 24वां संविधान संशोधन प्रस्ताव पास कर लिया और पुनः यह शक्ति अपने हाथ में ले ली। अब फिर से संसद मौलिक अधिकारों सहित पूरे संविधान में बदलाव कर सकती थी, परंतु अब यह नया प्रश्न था कि क्या 24वां संविधान संशोधन अधिनियम सही है, क्या वो वैध है, अर्थात क्या उसको माना जाए। एक तरह से अब ऐसा नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं विधान पालिका और न्यायपालिका अपनी शक्ति को लेकर के झगड़ने लगे हैं। इसी पृष्ठभूमि में 1973 में एक मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में आया, जिसमें जिसको केरल के मशहूर संत श्री केशवानंदन भारती के द्वारा दायर किया गया था। उस निर्णय में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान संशोधन के मामले में संसद की शक्ति असीमित है, वो संविधान में परिवर्तन कर सकती है, परंतु उस असीमित शक्ति के साथ साथ उसको संविधान की कुछ व्यवस्थाओं को ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो शक्ति असीमित नहीं कही जा सकती, उसकी कुछ सीमाएं और बंधन ध्यान रखने पड़ेंगे। न्यायालय ने इस केस में कहा कि संविधान के मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, परंतु उसको संविधान के मूल ढांचे का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि न्यायपालिका ने पूर्णतः यह स्पष्ट नहीं किया कि संविधान का मूल ढांचा और उसमें शामिल बातें क्या क्या हैं, परंतु फिर भी उसकी काफी सारी झलक हम यहां देख सकते हैं। चाहे वो हमारे अधिकार हैं, कानून का शासन है, संविधान की प्रस्तावना है, सामाजिक न्याय है, वो सारी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं संविधान के मूल ढांचे में शामिल हैं। केशवानंदन भारती बनाम केरल सरकार के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कह दिया कि संसद को संविधान में संशोधन की असीमित शक्ति नहीं है, उसको मूल ढांचे का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। सही मायने में यह निर्णय एक संतुलनकारी निर्णय था। अब संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति बरकरार भी है, साथ साथ उसकी सीमाएं भी हैं। एक संतुलनकारी निर्णय न्यायालय के द्वारा दिया गया। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले में, मिनर्वा मील बनाम भारत संघ के मामले में आगे न्यायपालिका ने मूल ढांचे के संविधान के इस सिद्धांत का पालन किया है। इस सुलझे हुए न्यायालय के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की व्यवस्थाएं भी बनाए रखी, लोगों के अधिकारों के साथ छेड़खानी ना हो उस व्यवस्था को भी निश्चित कर दिया, और साथ साथ संसद को वही शक्ति दोबारा से भी लौटा दी और झगड़े का अंत किया। बिल्कुल, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण निर्णय था। और इस तरीके के काफी सारे निर्णयों से समय समय पर संविधान विकसित होता नजर आ रहा है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कहा था कि एक संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अच्छा साबित हो सकता है अगर उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों। तो देश की जनता पे भी निर्भर करता है कि जो व्यवस्थाएं संविधान में शामिल की गई हैं, बिल्कुल उनका आदर सहित पालन किया जाए, तभी हम एक आनंदित जिंदगी जी सकते हैं। हालांकि किसी भी देश में परिवर्तन लगातार होते रहते हैं,
भारतीय लोकतंत्र के सामने भी समय अनुसार कुछ एक चुनौतियां आती रहेंगी, वो नई नहीं है और हर देश के साथ ऐसा होता है, परंतु समय समय पर इन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए कहीं ना कहीं संविधान में संशोधन की जरूरत भविष्य में भी हमें महसूस होती रहेगी। पुराने संशोधनों को स्वीकार करने के बाद हमें साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, क्योंकि वो समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस व्याख्यान में हमने जाना कि भारतीय संविधान में अब तक के मुख्य संशोधन कौन कौन से हैं, संविधान की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका क्या है, मूल ढांचे की अवधारणा क्या है, वेंकट चलैया आयोग और संविधान समीक्षा आयोग जिसको कहा जाता है वो क्या था और उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज कैसे है, और कहीं ना कहीं इन सब बातों के साथ हमने जाना कि हमारे संविधान वेता किस तरीके के एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहते थे, अर्थात हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। बिल्कुल, ये हम जान चुके हैं। इसके साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, आपको कुछ गृह कार्य करना है। ये प्रश्न आपके सामने हैं, इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में नोट करने हैं और मेरे प्राध्यापक साथियों से आपको चेक करवाने हैं। आप एक बार उनको लिखें। भारतीय संविधान में किए गए मुख्य संशोधन कौन कौन से हैं उनका वर्णन कीजिए। संविधान की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका की विस्तार से व्याख्या कीजिए। केशवानंद भारती केस का संविधान को विकसित करने में क्या योगदान रहा, व्याख्या करनी है। संविधान समीक्षा आयोग क्या था, उस पर एक टिप्पणी आपको लिखनी है। और किस वजह से आप भारत के संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कह रहे हैं, यह भी आपको लिखना है। और ये प्रश्न मेरे प्राध्यापक साथियों से आपको चेक करवाने हैं। आज के इस व्याख्यान में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।